फ्रेंड्स, ये रहा गिफ्ट जो कि मैं अपनी फ्रेंड को देने वाली हूँ। तो जी, ये क्लिप्स लिए थे मैंने अपनी फ्रेंड से। मैंने उसे बोला था, क्योंकि आपको पता है कि मैं मांझे में नहीं गई जा पाई थी उसके, तो ये क्लिप्स मैंने उससे लिए थे। तो ये किसी ने फ़ोन से इधर करके लिया, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना थोड़ा सा और देख लेना। मांझे में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और उनका मांझा ही बहुत अच्छा हुआ। काश मैं जा पाती, लेकिन कोई बात नहीं, आगे उन्होंने गेम भी बहुत अच्छे अच्छे खेले। चलो देखते हैं। तो चलिए, यहाँ बताते हैं कौन कौन है। यही मेरी फ्रेंड, उनके दोनों भाई और भाभी। तो इनसे मेरी मुलाकात होगी शादी में, तो आगे देखिए। मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और चलिए आज मेहंदी है और आज मैं जा रही हूँ उसके घर। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज ही उसको ये गिफ्ट दे दूँ, क्योंकि मांझे वाले दिन मेरे घर में शादी थी जब उसका मांझा था, इसलिए मैं नहीं जा पाई उसके मांझे में। लेकिन अब हम उसकी मेहंदी में जाएँगे इंशाल्लाह, और उसको ये गिफ्ट हम वहीं पर दे देंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। तो जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मेहंदी वाले डे उसके घर जाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी किसी वजह से। तो आज हो गया 4 दिसंबर, तो यानी कि शादी डे है, तो चलिए वहीं मिलते हैं उससे चलकर। हो गए रेडी और हम जा रहे हैं। सुबह से बारिश हो रही थी, तो हम तो चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जा पाएंगे क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम हो गए रेडी। मेरा लुक अच्छा, तो चलिए फिर चलते हैं। ये रहा मेरा ड्रेस जो कि आपको अंधेरे में देखिए। हम जमा गए सिटी पैलेस। तो जी, हम आ गए सिटी पैलेस। ये वही वाला सिटी पैलेस जहाँ से मेरी फ्रेंड की शादी, मैं सॉरी, मेरी कज़िन की शादी हुई थी, वहीं से, यहीं से आई। क्या कह रही हो, कोई शादी नहीं छोड़ती? शादी नहीं छोड़ता। क्यों ना दिखाएं भाई, क्यों ना दिखाएं भाई। तो यहाँ पर अपनी मुझसे कह रही थी कि वही वाला गेस्ट हाउस है, क्यों दिखा रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना दिखाऊँ भाई, गेस्ट हाउस है, एक जैसा है, लेकिन आज बहुत अलग सा शूट करने को मुझे मिला है, तो मैंने सोचा दिखा देते हैं। आज ले लो अच्छे से, आज कोई दिख नहीं रहा सामने। अरे, ये महविश की भाभी, कोई ना कोई आएगा। ये महविश की भाभी माशाल्लाह करूँ यार, क्यों नहीं कर। हेलो, चलिए दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे। यहाँ पिज्जा है, ब्लॉग में ये देखिए पिज्जा मिला इतनी मुशक्कतों के बाद, और ये पनीर लग रही। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे स्टार्टर में क्या क्या था। सबसे पहले हमने खाया था पिज़्ज़ा, और यहाँ पर आ गए थे चिली पटैटो, पनीर, चिली पनीर था ये, और बहुत सारे आइटम थे, दही बड़े थे, और ये पटैटो का कुछ आइटम था आइटम में, और ये थे फ्रेंच फ्राइज, ये थे चाउमीन, ये आ गए दही बड़े। और चलिए अब देखते हैं बरी का सामान। तो यहाँ पर वो बरी लगा रही थी, तो मैंने एक शूट लिया, बाकी आप पूरा देखिए भाई यहाँ पर क्या क्या था। बहुत ही अच्छी लग रही थी बरी देखने में। मेरी फ्रेंड की बरी का सामान जो आया है।
तो चलिए अब मिलाते हैं अपनी दोस्त से कि वो कैसी लग रही थी और उसका मेकअप भी मेरी दोस्त ने किया था, मतलब दूसरी फ्रेंड ने, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे दुल्हन कितना बोलती है ना, बहुत बोलती है दुल्हन एकदम मेरे तरह। हम लोग क्लासमेट थे, हम लोग बहुत बात करते थे एक दूसरे से और इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, मतलब स्कूल से निकल कर ये नहीं सोचा था। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह पैरिश। तो यहाँ पर हमारी ब्राइड जो है थक चुकी थी, तो वो पैर वैर ऊपर करके बैठ गई थी, तो उनकी अम्मी आई, उनकी अम्मी ने कहा कि भाई मुँह ढक कर बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि तुम बहुत बोल रही हो। और उनकी अम्मी थोड़ी सी मतलब पर्दे वाली हैं, तो उन्होंने इनको बैठा दिया था मुँह बंद करवा के, बस ये शराफत से बैठ गई थी। अब ये मेरी आईटीआई की फ्रेंड है। फ्रेंड्स मैं ऊपर आई हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे देखिए दूल्हा आ रहा, दूल्हे साहब। तो यहाँ पर बारात जो पहले आ चुकी थी, क्योंकि बारात बहुत दूर से आई थी, यानी कि एमपी से आई थी, ग्वालियर से। तो वो रेस्ट कर रहे थे, अच्छे से रेडी हुए, उसके बाद वो नीचे उतर रहे थे। यहाँ पर एक दूसरे को हार माला जो भी उनका क्या बोलते हैं उनको वेलकम के लिए पहनाया बनाया जाएगा, पहनाया जा चुका है, जा रहा है, आप देख सकते हो। और तो आगे मैं आपको अपने जीजू सा यानी कि अपने दूल्हे से भी मिलवाऊंगी। तो चलिए देखिए पूरा व्लॉग, इन्जॉय करिए, मस्ती करिए, फ़न करिए मेरे साथ जैसे मैंने वहाँ पर किया। और यहाँ पर सारी लेडीज़ हैं वो भी जा रही हैं, तो उनका भी आगे वेलकम होगा, वो भी आप देखिए। खाने का इंतजार, हम लोग बैठे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, वीडियो बनाना आसान बात नहीं। प्लेट बना रखो कुछ। तो माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी, तो मैं तो व्लॉग शूट कर रही थी, तो मैंने कहा आपके से भाई तुम मेरी प्लेट जो है वो लगाना स्टार्ट कर दो, तुम अपनी भी लगाओ मेरी भी लगाओ, मेरा व्लॉग ही बनता जाएगा। और हम आपको दिखाते भी जाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या था। तो यहाँ पर मटन भी था, चिकन भी था, साफ्तान की रोटियाँ भी थी, सैलड भी था, खीर थी आगे। और मैं मटन नहीं खाती बोटी, तो मैंने आपके से बोला कि मुझे चिकन दो मटन ना दो, तो देखो निकाल रही। मैंने कहा नहीं निकालो नहीं, प्लेट मेरी ख़राब हो जाएगी। तो और आगे क्या होगा ना कि मैं अपनी ये प्लेट जो है वो जाकर अम्मी को दे दूँगी, मैं दूसरी प्लेट बनाऊँगी अपनी, क्योंकि अम्मी ने इंतज़ार करी थी, तो मैंने सोचा चलो अम्मी को ही दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था तो अम्मी ले ना पाती। सारा खाना एक साथ निकाल लो, बाद में आने को नहीं मिलेगा, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा। बस यार व्लॉग एडिट करते करते मेरे मुंह में आ रहा है बहुत जोरों का पानी। ओ माय गॉड, मेरे लालच आ रही है मुझे खाना देखकर, पता नहीं क्यों खाना याद आने लगता है। खैर यहाँ पर हमें पान दिख गए थे जाते जाते, और पान तो महफिलों में दिखते हैं लेकिन लेने का मौका नहीं मिलता, और यहाँ पर था सन्नाटा। तो मैंने अप्पी से बोला अप्पी चलो मौके पर चौका लगा लेते, पान ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिए, अम्मी का लिया, अप्पी का लिया, सबका ले लिया पान, और निकल पड़े यहाँ से। और आगे आपको दूल्हे साहब से मिलवा लेंगे, क्योंकि दूल्हे की फोटोशूट चल रही थी, तो हमने कहा चलो भाई एक ले लेते हैं। किसका सवाल, एक और दे दिए। हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि 10:30 हो रहा है ना, साढ़े 10 हो रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं। ठंड तो अच्छी भली हो रही है आज मेरी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ रहे हैं और
इतनी ठंड हो रही है ना आज, एकदम से बारिश हुई, ठंड बढ़ गई और हम आ गए हैं। बहुत मज़ा किया, इंजॉय किया बारिश की वजह से थोड़ा सा, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। अच्छा, अब हम लोग चेंज करने जा रही हूँ, अब मैं अभी अपनी ड्रेस चेंज करके फिर मिलेंगे बाद में आपसे। खाना आना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया और हम गए थे, अम्मी गए थे, सिस्टर गई थी बस, और कोई नहीं गया। मेरी वहाँ पर कई पुरानी पुरानी दोस्त भी मिल गई थी तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। और व्लॉग्स आपको इसी तरह मिलते रहेंगे तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसा ना व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, बहुत सारी दुआ के साथ ऐसा ना व्लॉग्स को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।